देश में पिछले कुछ समय से कुछ युवक बहुत कुख्यात हैं। ये युवक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पहुंचते हैं, पुलिस के पहरे को तोड़ते हैं, खतरनाक विदेशी हथियार निकालते हैं, खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, किसी बड़े माफिया या महत्वपूर्ण व्यक्ति की जान लेते हैं। इनके वारदात करने का तरीका, इनकी डेयरिंग, महंगे और विदेशी हथियार, सब कुछ बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है, किसी थ्रिलर फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा, लेकिन अपराध बहुत ही डरावना। कम उम्र के लड़के कुछ सेकंड में बिना डरे मशीन की तरह दनादन गोलियां चलाते हैं। कुछ बड़ी वारदात के आरोपियों की सैंपलिंग करें तो इस विचित्र किस्म के अपराधियों में कुछ बात कॉमन नजर आती है। इनके जुर्म की फीस कम है, हथियार की कीमत ज्यादा। ये सब भाड़े के हत्यारे हैं, लेकिन सुपारी देने वाले असली आदमी को नहीं जानते। ये बहुत से छोटे शहर, कस्बे और गांव के लड़के हैं, मामूली रकम के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। इनके घर वालों को इनके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं रहती। ये वारदात पहले कहीं से कहीं चले जाते हैं, फिर इन्हें कहीं हथियार, कहीं पैसे मिलते हैं, कहीं पहुंचकर ये जुर्म को अंजाम देते हैं। जैसे पहले आतंकवादी वारदात होती थी, वैसे अब मर्डर होते हैं। प्लान कोई और करता है, एग्जीक्यूशन किसी और का होता है, हथियार कोई और पहुंचाता है, पैसे कोई और देता है, अपराधियों को जानकारी कोई और देता है, और फिर जुर्म को अंजाम कोई और देता है। सब एक दूसरे से अनजान होते हैं, बिल्कुल मॉड्यूल की तरह, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग। ऐसे में गुनाह को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हाइब्रिड शूटर्स की इस जनरेशन को हमने समझने की कोशिश की है, आप भी समझिए। पत्रकार बनकर आए, पुलिस घेरे में घुसकर, जॉन, अतीक और अशरफ को मारा। वकील बनकर आए, कोर्ट के भीतर हाई सिक्योरिटी में गैंगस्टर जीवा का पॉइंट ब्लैंक मर्डर। फैन बनकर आए, चलती सड़क पर इंटरनेशनल सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या। समर्थक बनकर आए, कोर्ट के बाहर क्रिमिनल संदीप विश्नोई की हत्या। बेखौफ, बेधड़क और अपने टारगेट को लेकर के बिल्कुल कन्विंस। पुलिस का जबरदस्त पहरा हो, वकीलों की जबरदस्त भीड़ हो, या फिर चलती हुई सड़क पर तेज दौड़ती हुई गाड़ियां हो, या फिर अपने शूटर्स के बीच ही किसी माफिया की मौजूदगी हो, लेकिन इन शूटर्स का निशाना कभी भी नहीं चूकता है। इनका निशाना एकदम सटीक है, ये भेष बदल करके आते हैं और अपने टारगेट को किसी भी हाल में निपटा देते हैं। फिर पुलिस का पहरा कितना भी क्यों ना सख्त हो, अगर इन्होंने एक बार अपने टारगेट को लॉक कर लिया तो कत्ल को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए, भाड़े के हत्यारे का जो कंसेप्ट अब तक था, इन पिछले कुछ घटनाओं को छोड़कर, वो ये था कि जिसकी मार्केट वैल्यू अधिक हो, अच्छी हो, अच्छी होने का मतलब कि उसने पहले ऐसा काम किया हो, बिल्कुल फ्लॉलेसली किया हो, जिसके लिए किया हो उसका नाम ना आया हो, जिसने किया हो कभी पकड़ा न गया हो,
भाड़े के हत्यारे वैसे भी सामान्य रूप से अच्छे आपराधिक रिकॉर्ड वाले हुआ करते थे, मैं अब तक की बात कर रहा हूँ। उनके पास अपने अच्छे असलहे होते थे, असलहों के शौकीन होते थे। लेकिन पिछली दो घटनाएं, अतीक अशरफ वाली और संजीव जीवा वाली जो अदालत में हुई है, इसमें जो सिमिलरिटी है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पहला, दोनों में उम्र 20-21 साल। दूसरा, दोनों के आपराधिक इतिहास एक या तो लड़की भगाने का है, पराली जलाने का है, लड़की छेड़ने का है, बहुत आम टाइप के। इनके विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, इस तरह का कोई अपराध इनका आपराधिक इतिहास नहीं है जो पिछली दो घटनाएं हुई हैं। तीसरा, इन्होंने जिस हथियार का प्रयोग किया है ये इनकी कुल आर्थिक हालत से बहुत ज़्यादा है। इस ये जो दोनों तीनों प्रकरण हैं जिसमें हाल ही में भड़ोतरी गुंडों के माध्यम से कुछ लोगों को मारा गया है, ये सब ये दिखाते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो अपराध की दुनिया में पांव रखने के लिए तैयार हैं, उनको सिर्फ एक प्रॉपर इंसेंटिव चाहिए। बहुत पुराने समय में दाऊद के गैंग में ऐसा होता था कि लोग दाऊद के गैंग में भर्ती होने के लिए 2-3 मर्डर सिर्फ टेस्ट करने के लिए कर दिया करते थे। तो ये सबसे पहले मूसेवाला का केस है जहाँ पे के रेगुलर गुंडे थे जिनका पुराना अनुभव भी था, उन लोगों ने मर्डर किया। लेकिन बाकी के जो दोनों हैं, अतीक अहमद का और जो दूसरा महेश्वरी का जो मर्डर, जीवा महेश्वरी का मर्डर हुआ, इनमें दोनों में नए गुनहगार थे जिनका कोई बहुत ज़्यादा पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे केस में ये लोग जेल में गए वहाँ से इनको रिक्रूट किया गया और फिर इनको बरगलाया गया, या उनको जो इंसेंटिव दिया गया वो इतना बड़ा था कि वो उसको मना नहीं कर सके और उन्होंने ये कांड किया। अतीक और अशरफ का मर्डर, हत्या में इस्तेमाल की गई जिग्ना पिस्टल, टर्की में तैयार, कीमत 6 लाख रुपए। जीवा का मर्डर, हत्या में इस्तेमाल की गई 357 कैलिबर की अल्फा रिवॉल्वर, चेक रिपब्लिक में तैयार, कीमत 6 लाख रुपए। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, हत्या में इस्तेमाल की गई जिग्ना पिस्टल, ग्रेनेड लॉन्चर, कीमत करीब 2.5 लाख रुपए। भारत के बाजार में आसानी से ना मिलने वाले हथियार, महंगे इतने कि आम आदमी की पहुंच से बाहर, जिनका लाइसेंस देने के लिए सरकार 100 बार सोचती है, लेकिन अपराध के बाद पकड़े गए हथियारों के पास से कैसे मिलते हैं ये हथियार? हत्या की सुपारी 20 लाख रुपए में उठती है और उसे अंजाम देने के लिए 6 लाख रुपए की विदेशी रिवॉल्वर दी जाती है, जिसकी एक गोली तकरीबन 2000 रुपए की बताई जाती है। ऐसे में इन साधारण से हथियारों के पास इतने अत्याधुनिक हथियार कहां से आते हैं? आपको स्मैक का नशा है, आपको गांजे का नशा है, या आपको भांग का नशा है, मान लें वो लीनियर नशा बोलते हैं उसको, भांग का, कि ऐसे नशे में आपको कोई इस तरह का काम कराने के लिए चढ़ाए तो आपका सारा डर गायब हो जाता है, क्योंकि आप नशे में हैं। ये हत्यारे भी किसी नशे में थे, ये मैं फिजिकल नशे की बात नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने कोई पदार्थ खा के नशा किया था, ये ज़रूर इनको ऐसा एहसास कराया गया होगा कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इनको एहसास कराया गया होगा कि जो खर्चा लगेगा वो हम खर्च करेंगे, इनको एहसास कराया गया होगा कि तुम अगर जेल जाओगे तो मैं 6 महीने में जमानत करा दूंगा, जैसे बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी जिसको कूद पड़ने के लिए कहती हैं कि भाई, जैसे आप खुद कुछ हमलावर जिन्हें कहते हैं आपके साहब, वो पेटी बांधी और बांध के वो भीड़ के भीतर अपने आप को उड़ा दिया, सुसाइड बॉम्बर जिन्हें कहते हैं, आत्मघाती हमलावर जिसे कहते हैं, खुद कुछ हमलावर जिन्हें कहते हैं, तो इनके अंदर कहाँ से आता है ये इनको, चाहे रिलीजियस वजह से, चाहे जिस वजह से, ये बिल्कुल
जिसको वो कहते हैं ना कि इनको पूरा भरोसा दिया जाता है कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे और आप कितने ऐश में रहेंगे, ठीक उस तरह के का बिहेवियर इसमें अपराधियों ने किया, उन्हें अच्छी तरह से बताया गया। देखिए, जब जैसे ही आप किसी अननोन कमोडिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी छोटे मोटे अपराधी को मर्डर के हाथ से मर्डर करवाते हैं, तो वो ध्यान भटका दिया जाता है। उस व्यक्ति को बड़ा क्लियरली समझा के भेजा जाता है कि अगर उसने गैंग के सरगना का नाम या जो भी जिस व्यक्ति ने उसको कॉन्टैक्ट किया उसका नाम उसने बताया, तो फिर वो उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और उस व्यक्ति को मालूम है कि मेरी गैंग में क्या जगह है, इसलिए आमतौर पर वो सही व्यक्ति का नाम बताएगा नहीं, वो पुलिस को घुमाता रहेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आम यही छोटे अपराधी पे जाके हमारी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाती है, और मेन जो अपराधी है या उसके पीछे मकसद क्या था, वहाँ तक पहुँचने में पुलिस आमतौर पे कामयाब नहीं हो पाती। ये एक सच्चाई है। अब वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपराधी से कितनी जानकारी बाहर निकलवाए। मनप्रीत भोलू, मनप्रीत मन्नू, जगरूप सिंह रूप, संतोष जाधव, सुभाष बनौर, सौरभ महाकाल, हरकमल सिंह रानू, प्रियव्रत फौजी, सचिन भिवाड़ी, अंकित सिरसा, दीपक मुंडी, कपिल पंडित, कुलदीप उर्फ कशिश, विजय यादव, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, इन 17 सूटर्स का नाम 3 हाई सिक्योरिटी मर्डर्स में सामने आया है। पुलिस का दावा है कि ये सब के सब बहुत निर्दयी, दुस्साहसी, लालची हैं। अपराध को अंजाम देने का तरीका एक जैसा है। इनके हथियार ऑटोमेटिक हैं। भारी भीड़ धक्का मुक्की में भी इनकी व्यूह रचना ऐसी होती है कि टारगेट मिस नहीं होता। निशाना इतना पक्का होता है कि गोली दिशा नहीं भटकती। अतीक अशरफ में एक डमी कैमरा था, सब लोगों ने वो टीवी में फ्रेम में देखा होगा, डमी कैमरा था। साथ में 10-12 कैमरे वाले और थे अलग अलग कंपनी के, लेकिन उनको भी ये जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये डमी कैमरा है। बिल्कुल वैसे ही लेंस, वैसे ही उसका फोकस, वैसे ही रखने की जगह, लगभग उतना ही वजन, जबकि वो सॉलिड प्लास्टिक का था। ये कैमरा क्या आप खरीद सकते हैं यहाँ लखनऊ में, इलाहाबाद में? डमी कैमरा नहीं खरीद पाएंगे। आपको ये कैमरा मिल जाएगा, इसका पुराना वर्जन जो डिफंक्ट हो गया है, किसी के स्टोर में पड़ा है, वो मिल जाएगा, लेकिन डमी कैमरा नहीं मिलेगा। डमी कैमरा मुंबई में ही मिलेगा, वो भी इस तरह का सामान बॉलीवुड में शूटिंग के समय सप्लाई करने वाली जो एजेंसीज हैं वो देती हैं। आपको डमी माइक देंगी, डमी कैमरा देंगी, नकली आईडी देंगी, तो किसने मैनेज करके दिया? इन टुच्चे गली के गुंडों के औकात है कि वो ये मैनेज करेंगे? बम्बई जाएंगे और डमी कैमरा ले आएंगे, और ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू प्रयागराज उसको कैरी करके ले आएंगे। अतीक अशरफ जीवा और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अगर इस हत्याओं को हम केस स्टडी के तौर पर समझना चाहें तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि शूटर्स ने अपनी टेक्निक को अब पूरी तरीके से बदल दिया है। शूटर्स ने, या यूं कहा जाए कि क्राइम को लेकर के क्रिमिनल्स ने अपनी अप्रोच को पूरी तरीके से, बदलाव के साथ साथ इसमें रिसर्च को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है। यही वजह है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये हो सकता है क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन पुलिस और सरकार के लिए ये पूरी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण। यही वजह है कि सिद्धू मूसेवाला, जीवा, अतीक और अशरफ के हत्याकांड के पूरे मामले को हम आपको केस स्टडी के तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अतीक अशरफ मर्डर को देखते हैं। अतीक अशरफ टारगेट, उनके चारों ओर पुलिस का घेरा था, मीडिया वाले उनसे बात करने के लिए घेरे को तोड़ रहे थे, शूटर पत्रकार बनकर उनके बीच में छिपे थे। अचानक हमला हुआ और कोई कुछ समझता उससे पहले टारगेट अचीव हो चुका था। अब इसमें तीन चीजों का ख्याल रखा गया, टाइमिंग, प्रॉक्सिमिटी, एक्यूरेसी। पहला, टाइमिंग। कुछ सेकंड में
सारी गोली चला देना। दूसरा, करीबी यानी प्रॉक्सिमिटी, यानी टारगेट के इतने पास रहो कि निशाना चूकने की गुंजाइश ही ना बचे। तीसरा, एक्यूरेसी, दो लोगों को एक साथ मारने के प्लान में शूटर्स को तीन तरफ रखा गया, टारगेट सिर को बनाया गया। मतलब साफ है कि अगर पहली गोली चलने के बाद बिल्कुल बगल में खड़ा पुलिस वाला हथियारों के हाथ पर हाथ मार देता या पीछे खड़ा पुलिस वाला गोली मार देता, भगदड़ में टारगेट मिस होता और पुलिस वाले उसे घेर लेते, तब तक पहली गोली से टारगेट का खेल खत्म हो चुका होता। सिद्धू मूसेवाला मर्डर। इस हत्याकांड में टारगेट बंद गाड़ी में, उसे एक गाड़ी ने आगे से घेरा, दूसरी ने पीछे से, AN-94 से एक साथ गोलियां चलाकर टारगेट को डिफेंसिव कर दिया गया। फिर छह लोगों ने कवर फायर दिया और एक शूटर टारगेट की गाड़ी के बिल्कुल करीब जाकर ऑटोमेटिक वेपन से तब तक फायर करता रहा जब तक कि सिद्धू मूसेवाला की मौत नहीं हो गई। अगर टारगेट गोलीबारी में बच निकलता तो शूटर्स के पास ग्रेनेड लॉन्चर भी था, वो उसकी गाड़ी सहित उसको उड़ा देते। जीवा हत्याकांड। टारगेट पुलिस की सिक्योरिटी में था, कोर्ट में था, शूटर्स वकील के भेष में, पुलिस घेरे में घुसे, चेक रिपब्लिक में बनी .357 रिवॉल्वर से बिल्कुल पास जाकर गोलियां मारी। गोलियां टारगेट को आर पार करती रहीं, लेकिन जीवा के शरीर के अलावा कहीं नहीं गई। प्रॉक्सिमिटी के लिए भेस बदलना, टाइमिंग के लिए हमले से पहले बार बार रेकी और रिहर्सल करना, एक्यूरेसी के लिए हमला करने वाले हथियार की क्वालिटी और टारगेट के शरीर के ऊपरी हिस्से पर वार करना, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगह पर गोली मारना कि जहां पर गोली लगे तो बचना नामुमकिन हो। पुलिस के लिए ये एक स्ट्रेटेजी सरप्राइज है, लेकिन पुलिस अब शूटर से एक कदम आगे सोचने का प्लान कर रही है। जो घटनाएं दोनों हुई हैं वो आगे घटित ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। संसाधन और जनशक्ति कोर्ट की सुरक्षा में जो लगे हैं उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पे क्या चूक हुई है इसके लिए भी राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक महोदय से की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि माननीय अधिवक्तागण हैं, हमारे प्रेस के बंधु हैं, उनके लिए क्या एक कोड ऑफ कंडक्ट हो जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो, क्योंकि पूर्व में इस तरह की घटनाएं विशेषकर जो पत्रकारगण हैं इनका छद्म रूप में आके किया जाना प्रकाश में नहीं आया था। अब हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान दे रहे हैं कि कोई छद्म भेद में पुलिस वाला भी इस तरह की घटना ना करे, तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे की कार्य योजना तैयार की जा रही है। शूटर्स महंगे और विदेशी हथियार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए हम आपको कुछ गोलियों के नमूने दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह .22 बोर की गोली, .32 बोर की गोली, .38, 9mm, .40 कैलिबर, .45, .38, .357, .44। जिन तीन हत्याकांड की बात हम कर रहे हैं उनमें 9mm और .357 बोर की गोलियां इस्तेमाल हुई हैं। इनकी खासियत ये है, इनकी इंजरी वाइटल ऑर्गन के लिए मोस्ट लीथल साबित होती है, मतलब शरीर के खास हिस्से में एक गोली भी लग गई तो मौत डेफिनेट है। ट्रेनिंग के लिए उनको या तो पैसे बहुत मुबलक प्रमाण में दिए जाते हैं जिससे कि, और दूसरा यह है कि तो वो गैंग के मेंबर बन जाते हैं। तीसरी बात यह है कि जो अभी तक उन्होंने देखा, जैसे हमने देखा अतीक अहमद के केस में कि वो खुद गुंडा था, एक मर्डर करके वो बहुत बड़ा गुंडा बना और फिर उसका इतना बड़ा साम्राज्य बना, पैसे बहुत थे, प्रभाव बहुत ज़्यादा था, तो उनको लगता है कि अगर वो भी इस तरह से मर्डर करेंगे तो उसमें तीन चीज़ें हैं। पहला तो है कि उनका एक पब्लिक फेस बन जाता है कि उन्होंने इतने बड़े गुंडे को मारा, दूसरा उनको पैसा मिलता है, तीसरा अपराध की दुनिया में घुसने का एक बहुत प्रभावशाली तरीका उनके पास में आ जाता है जिसकी वजह से वो ये लोग इतनी बड़ी डेयरिंग करते हैं। क्राइम का कॉरपोरेट हाउस कह लें उसे,
कि अब क्राइम को कॉर्पोरेट हाउस की तरह, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट की तरह कोई रन कर रहा है, कि वो असलहों का एक अलग सेक्शन है, एचआर का एक अलग सेक्शन है कि साहब ऐसा आदमी तलाश करिए जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, जो हमारे लिए काम करने को तैयार हो, बहुत कम उम्र का हो, कि अगर कोई उसका नुकसान भी हो जाए तो हमारा नुकसान उसकी वजह से ना हो। तीसरा, उसे ये बताने के लिए कि रैकी करने के बाद आप किस वेश में या किस तरह से कैमोफ्लाज करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जैसे अदालत में वकील की वेश में गए, यहाँ पर प्रेस वाले के वेश में गए, कि वहाँ प्रेस वाले के वेश में जाना सबसे आसान है। ये एक एंट्री आसानी से हो जाएगी। एक सेक्शन उसका जो इस तरह के क्राइम का कल्ट है या क्राइम का जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट या कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ये चला रहे हैं, पिस्टल इनके पास, अगर जैसे इनका वो प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट होता है, इनका लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट है, उनके साथ ये लड़के डेयरिंग लग रहे हैं, इनको ये असलाह दे देना, इनको बता देना कि ये जीन्स और टी शर्ट पहन के जाएंगे बिल्कुल रेबन का चश्मा लगा के, क्योंकि वैसी भीड़ है जहाँ इनको काम करना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से ये ज्ञान देकर और एक कंपनी की तरह ऑपरेट किया जाना, ये टेंडेंसी ठीक नहीं है। ध्यान हो, आपको दाऊद को हमेशा डी कंपनी कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह से कंपार्टमेंटलाइज है कि कौन आदमी क्या करेगा ये वहाँ डिसाइड होगा, इसकी कंपनी में कौन सा असलाह ले जाएगा ये वहाँ डिसाइड होगा, किस गार्ब में जाएगा ये वहाँ डिसाइड करेंगे। ये दोनों घटनाएँ कुछ इस तरफ इशारा करती हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई से शुरू हुआ। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई इस समय अंडरवर्ल्ड में जो यंगस्टर्स जो घुस रहे हैं, जिनको बड़ा शौक लगता है कि हम भी, वो जैसे एक गॉडफादर की तरह उसे देखने लगे हैं कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई ही बनना है। जानकारों की नजर में शूटर्स में जो कुछ कॉमन है उसके आधार पर लगता है कि जैसे इनको चलाने वाला कोई एक बॉस है जो एक कंपनी की तरह इन्हें चला रहा है, महंगे हथियार दे रहा है और बाकायदा इनको हर तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसमें हथियार चलाने से लेकर देश बदलने और मौके के हिसाब से फैसला लेने तक शामिल। इन नए तरह के शूटर्स के घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार और सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में पड़ताल की गई तो कुछ बहुत कॉमन चीजें पाई गई। जैसे भाड़े के हथियारों की उम्र 20 से 30 साल के बीच है, इनकी आर्थिक हैसियत गरीबी की रेखा से नीचे, पिछड़े गांव, शहर और कस्बे से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ाई लिखाई औसत है या स्कूल कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं, लड़की से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, इनका अपने घर से संपर्क बहुत कम है, इनमें से कुछ छोटे मोटे अपराध में जेल गए हैं, जेल में माफिया की कंपनी में ही इनकी भर्ती हुई है, इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में फेमस होने की छटपटाहट दिखती है। 90% शूटर्स का डॉन लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क बताया गया, शूटर्स की सुरक्षा की गारंटी भी उन्हें दी जाती है। ये सब देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि पुलिस वाले ट्रेंड हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, तब सुरक्षा घेरा तोड़कर अपराधी इतना रिस्क कैसे ले लेते हैं? क्या उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है? उस व्यक्ति को, उस अपराधी को मालूम है कि या तो वो मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा। मारे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जब वो किसी अपराधी के ऊपर या किसी टारगेट के ऊपर फायरिंग करते हैं तो उनको उतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपना काम पूरा करें। लेकिन जितने समय में पुलिस वापस रिएक्शन देने के लिए तैयार होती है, उनके खिलाफ में कार्रवाई करने को तैयार होती है, तो कार्रवाई हो नहीं पाती, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं गलती से गोली किसी दूसरे व्यक्ति को, सामान्य नागरिक को या किसी अन्य व्यक्ति को लगने के भी चांसेस हैं। इसलिए ऐसे अपराधियों को मालूम होता है कि उनके ऊपर फायरिंग 99% नहीं होगा और वो बच जाएंगे और बाद में जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनी जगह लेगी। तो इसलिए वो लोग इतने भाड़स के साथ में ये अपराध करते हैं और अपराध करने के साथ ही सरेंडर करने की भाषा करने लगते हैं। लेकिन जो अपराधी घटना करने के लिए, अपराध करने के लिए आता है, उसका जो बॉडी मैकेनिज्म है वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट की कार्रवाई करने के लिए तैयार होता है, जबकि पुलिस जो है वो एक 24 घंटे उनको सतर्क रहना पड़ता है, या जितना समय वो उस अपने काम में लगे रहते हैं उतना पूरा समय उनको सतर्क रहना पड़ता है। तो रिएक्शन होने में टाइम लगता ही है,
जो जब तक रिएक्शन होता है तब तक कांड हो चुका होता है। हमने दोनों तीनों केसेस में देखा, कोर्ट वाले केस में देखा जहां पे जीवा मारा गया, और दूसरे केस में देखा जहां आतिक अहमद मारा गया, कि जब तक पुलिस ने रिएक्ट किया, ऐसा नहीं कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की, लेकिन जब तक पुलिस ने रिएक्ट किया तब तक अपराधी अपना उद्देश्य हासिल कर चुका था। किसी भी हत्या या किसी घटना में मोटिव तलाशना है कि भाई इनका क्या मोटिव हो सकता है अतीक अशरफ को मारने के, जीवा को मारने का क्या मोटिव हो सकता है? मोटिव कोई नहीं है। इनकी ना कोई जाति दुश्मनी है, न इनकी जमीन कब्जा की गई है, न इनके घर वालों में किसी को मारा गया है, न इनका दूर दूर तक इस गैंग से कोई संबंध है, तो इनका अपना कोई मोटिव नहीं है। नेचुरली किसी और का मोटिव होगा, जिसका मोटिव होगा उसने इसको यूज़ किया, सफाई से यूज़ किया, और इस यूज़ करने को आप मतलब इस सिमिलरिटी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये घटना ख़त्म हो गई, अगली घटना भी हो सकता है ऐसी, हो सकता है उत्तर प्रदेश के बाहर हो, तो ये इसको इसकी गहराई में जाना होगा, इसकी तह में जाना होगा, कौन लोग इसको एक कंपनी की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं इनको ढूंढना होगा। अगर ये कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई ताजुब नहीं अगर इनको कहीं ले जाकर ट्रेनिंग भी दी गई, कोई ताजुब नहीं है। सभी इस समय कस्टडी में हैं, वो तीनों भी हैं और ये भी हैं, एजेंसी जिनसे पूछताछ कर रही हैं, बहुत दिन तक ये छिपा नहीं पाएंगे, सच आएगा और जरूर सामने आएगा। हत्यारों की भर्ती और उन्हें एक कंपनी की तरह चलाने का पैटर्न तो साफ दिखता है। हमारे रिसर्च में कुछ और बातें पता चलती हैं, और वो ये कि प्रोजेक्ट के हिसाब से शूटर्स को उनकी क्षमता और जोश के मुताबिक चुना जाता है। शूटर्स वारदात की जगह से दूर होते हैं, शूटर्स को वारदात से एन पहले एक्टिव किया जाता है। सबसे पहले उन्हें हथियार देने के लिए किसी शहर में भेजा जाता है, हथियार कोई अनजान आदमी देता है, यहाँ से उन्हें किसी दूसरी जगह भेजा जाता है जहाँ पर उन्हें टारगेट की जानकारी दी जाती है, मिशन की जरूरत और खतरे के बारे में बताया जाता है, जरूरत के मुताबिक भेष बदलने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मेंटली फिट शूटर को वारदात की जगह पर पहुँचाया जाता है, यहाँ वो खुद भी वारदात के लिए रेकी करता है। पेचीदा केस हो तो वारदात से पहले हत्या का नकली अभ्यास भी करवाया जाता है। यहाँ सवाल ये है कि महंगे और विदेशी हथियार आते कहाँ से, देश के भीतर से या विदेश से? इनके बारे में तो इतनी हम लोग को नहीं, किसी के पास भी ऐसी जानकारी होती, क्योंकि उनके पास जो वेपन अक्सर देखे जाते हैं वो प्रोहिबिटेड बोर के वेपन होते हैं, 38 बोर, 455 बोर, 9 mm, ये पुलिस के बोर होते हैं या आर्मी के बोर होते हैं, इससे सिविल ट्रेड का कोई लेना देना नहीं होता। ना ही उनको कभी कारतूस की पूर्ति किसी आर्म्स ट्रेडर से हो सकती है, ना ही किसी वेपन की, ना ही उनका वेपन कभी ऐसा कभी मार्केट में देखा गया है। पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपको सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की कॉपीज़ या वेपन्स मिल जाएंगे। इसी तरह से यूपी और बिहार में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के देशी बनावट के हथियार मिल जाते हैं, जो ऑलमोस्ट फैक्ट्री मेड हथियारों की तरह रहते हैं। तो ये एक अपने आप में इंडस्ट्री है और बहुत फलती फूलती है, क्योंकि हर जगह सिर्फ तमंचा जो 500 रुपये में मिलता है उसी का जो बेटर वर्जन है वो 5,000 रुपये में मिलता है, और उसका जो प्रोफेशनल वर्जन है वो 25,000 रुपये में मिलता है। तो वेपन्स को बनाने वाले की कला और देने वाले की कीमत देने की कैपेसिटी, इसके ऊपर निर्भर होता है कि किस तरह का हथियार अपराधी के पास पहुंचता है। आप देखते नहीं, आपको हर हफ्ते ये मिलता है अखबार में देखने को, टीवी में देखने को, कि ड्रोन से साहब वो पिस्टल्स और स्मैक या मादक पदार्थ ये ड्रोन के जरिए बॉर्डर के इस पार गांव में गिराए जा रहे हैं, और उनके जो लोग हैं वो उसे ले जा रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है उनको नकली बनाने की, उन्हें जब असली उपलब्ध है? और दो घटनाएं तो आप देख ही रहे हैं। मामूली युवक फेमस होने और पावरफुल बनने के लिए माफिया का हिस्सा बन जाते हैं। माफिया उन्हें हथियार देता है, पैसे देता है, और ये भरोसा देता है कि उसे कुछ नहीं होगा। हत्या करने वाला केवल इतना जानता है कि उसे किसे और कैसे मारना है, इसके सिवा उसे कुछ नहीं पता होता। अगर वो पकड़ा भी जाता है तो पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाता। जुर्म के लिए जिम्मेदार असली चेहरा कभी सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि माफिया को पैसे देकर वो क्राइम लाइन से बहुत पहले ही आउट हो जाता है।
ये अच्छी बात नहीं है, ये टेंडेंसी अच्छी नहीं, ये ट्रेंड अच्छा नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं। एक बार सभी एजेंसीज ने मिलके मुंबई से महाराष्ट्र से, खाली वो दाऊद का या डी कंपनी मुंबई तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने हत्याएं उत्तर प्रदेश के हर कोने में कराई, उन्होंने हत्याएं देश के हर कोने में कराई। तो इस तरह की ये कोई अगर कॉरपोरेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है क्राइम को, ये टेंडेंसी अच्छी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।